चंडीगढ़ के मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ने वाले फूल अब बर्बाद नहीं होंगे बल्कि अगरबत्ती बनकर एक बार फिर मंदिरों और घरों को खुशबू से महकाएंगे। इसके लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने अनोखी पहल शुरू की है। चंडीगढ़ के स्वयं सहायता समूह को फूलों से अगरबत्ती और दीये बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा से इस पर पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। वेस्ट फूल है जो भगवान को चढ़ते हैं वो नालियों में या जो नदियों में ना बहाए जाएं, उनका सदुपयोग किया जाए, दोबारा से एक बार उनसे अगरबत्ती आदि बनाकर वो भगवान को अर्पित किए जाएं। तो हमारे साथ मेयर हैं चंडीगढ़ की सरबजीत कौर, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो मुहिम है किस तरह देखते हैं, इस मुहिम को क्या लगता है जो महिलाएं हैं इस तरह के काम के बाद जो है आत्मनिर्भर भी बन पाएंगी? बिल्कुल, इसके पीछे यही मकसद है। एक जो घर बैठी औरतें वो जो अपना आमदन भी बढ़ा सकती हैं और एक बहुत अच्छी बात है अपने घर पे भी काम कर सकती हैं, प्रोडक्ट ले जाके वहाँ बना के वो आगे एनजीओ को दे सकती हैं जो आगे सेल कर सकें। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो हम कहते हैं कि हमारा डंप बन रहा है वो कूड़ा अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, जो भगवान के चरणों में फूल चढ़ते हैं वो डंप में ना जाके दोबारा यूज़ होके कि भगवान के चरणों में अगरबत्ती और जैसे दिवाली फेस्टिवल आ रहे हैं वो वहाँ पर यूज़ हो सकें। ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इससे रोज़गार भी मिलेगा और जो हमारा भगवान के चरणों पे चढ़ने वाली चीज है वो डंप पे नहीं जाएगी। तो हमारे साथ कमिश्नर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में ऑलरेडी करीबन 600 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पर हर एक महिला का अपना इंटरेस्ट होता है, हर एक महिला का अपना एक टैलेंट होता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन सी महिला किस तरह का काम करना चाहते हैं, प्लस 10 महिलाओं का अगर एक ग्रुप बनाया जाना है तो वो उसी एरिया की है कि नहीं, एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उस हिसाब से उनके इंटरेस्ट और उनके टैलेंट के हिसाब से उनको कोई व्यवसाय सिखाया जाता है। किसी को टेलरिंग, किसी को जैसे कि हमने एक दुकान शुरू किया उसका नाम है नया सा, वहाँ पे पुराने कपड़े जो है लोगों के कलेक्ट करके उसको ड्राई क्लीन करके साफ करके एक रुपए या 10 रुपए पे उसे बेचा जाता है। ऐसा भी हमने व्यवसाय अपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया। ये एक नया उपराला है जिसमें कि ये जो महिलाएं थी इस एरिया में काम करने के लिए राजी भी थी और खुश भी थी, इसलिए ये ट्रेनिंग कराई गई। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।